आज हम लोग क्लास 11 पाठ समूच की प्रश्नावली 1.6 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इसके अंतर्गत है, देखिए टॉपिक है दो समुच्चयों के सम्मिलन एवं सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न, ठीक ना। तो इस पर कुछ प्रश्न हैं, उनको देखेंगे। तो देखिए इसमें लिख लेते हैं, माना ए और बी दो अरिक्त परिमित समुच्चय हैं, ठीक ना। अरिक्त मतलब वो खाली नहीं है, मतलब फाई नहीं है, है ना, कुछ अवयव हैं। अब परिमित समुच्चय मतलब उनके अंदर अवयवों की संख्या निश्चित है। तो इनके लिए हम इसको वेन डायग्राम में दिखाते हैं। तो ये है समिष्टि समुच्चय का आयत बना लिया, इसके अंतर्गत एक समुच्चय ए और एक समुच्चय बी बना लिया। तो ये हो गया ए, ये रहा बी, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें जो है, ये जो कॉमन पार्ट है, इस चीज को बोलते हैं, देखिए ये जो है इसको हम बोलते हैं ए सर्वनिष्ठ बी, ठीक ना। इसका मतलब जो अवयव ए में भी है और बी में भी है, वो इसको ये दिखा रहा है। अब देखिए ये क्या चीज़ है, तो ये है ए माइनस बी, ठीक ना। मतलब ए का वो पोर्शन जो बी में ना हो, ठीक ना, ए माइनस बी, ठीक ना। या तो कह सकते हैं ए के वो अवयव जो बी में ना हो, तो ये हो गया a माइनस बी, और इसको बोलते हैं b माइनस ए बोलते हैं, ठीक ना। मतलब जो b वे अवयव जो b में है मगर a में न हो, ठीक ना। तो ये हो गया b माइनस ए। अब देखिए अगर इन तीनों समुच्चयों को मिला के बात करें, ये तीनों समुच्चयों को मिलाएंगे या इन तीनों समुच्चयों के अवयव को मिलाएंगे, तो हमको ये पूरा ये मिल जाएगा, ये पूरा चीज़ मिल जाएगा, ए ये और ये मिल जाएगा। और वो क्या चीज़ है, तो ये है ए यूनियन बी, है ना, ए सम्मिलन बी है, ए सम्मिलन बी, ये पूरा ए सम्मिलन बी को दिखा रहा है। तो ये क्या चीज़ है, तो लिख सकते हैं हम ए माइनस बी प्लस, फिर इसको लिख लेंगे ए सर्वनिष्ठ बी प्लस और बी माइनस ए, ठीक ना। तो ये हमने समुच के रूप में लिख दिया, ठीक ना, ये समुच का रूप है। अगर हम इसके बाद अगर इसमें समुच्चयों के अवयवों की संख्या के रूप में अगर हम लिखें, तो हम इसको लिख सकते हैं यन ए यूनियन बी यन ए माइनस बी प्लस यन ए इंटरसेक्शन बी प्लस यन बी माइनस ए। मतलब ए सम्मिलन बी में अवयवों की संख्या ये है, ए माइनस बी में अवयवों की संख्या एन, मतलब नंबर ऑफ, ठीक ना, ये संख्या, इसके अवयवों की संख्या एन लगा दिया, तो ये पढ़ेंगे हम इसको, ठीक ना। देखिए जैसे ये बोलेंगे ए यूनियन बी ना, तो ये एक समुच्चय है, ठीक ना, और अगर हमने यहाँ एन लगा दिया तो इसका मतलब इस समुच्चय में अवयवों की संख्या बताना है इसमें, ठीक ना। यहाँ पर लिखा एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए सर्वनिष्ठ बी, तो इसमें ए सर्वनिष्ठ बी में अवयवों की संख्या है ये, ठीक ना, और ये बी माइनस ए मतलब बी माइनस ए में अवयवों की संख्या। तो इसमें और इसमें ये फर्क होता है, ये समुच के रूप में लिखा है, अब इनके अवयवों की संख्या के रूप में हमने लिखा। अब देखिए इसमें यहां लिख सकते हैं हम ए यूनियन बी, यहां तक तो पूरा यही लिख देते हैं, ए माइनस बी प्लस यन
ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। अब देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, एन ए सर्वनिष्ठ बी यहाँ जोड़ रहे हैं और ए ची एन ए सर्वनिष्ठ बी हम घटा रहे हैं, ठीक ना, यहाँ लिख दे रहे हैं ए माइनस बी है ये। तो क्या किया हमने इसमें, देखिए जितना हमने जोड़ा उतने ही हमने घटा दिया, तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसके आगे लिख सकते हैं यन ए सर्वनिष्ठ बी बराबर, देखिए अगर हम इसमें ये वाला पोर्शन ए माइनस बी जो बिना कलर वाला है, ये वाला पोर्शन और ए सर्वनिष्ठ बी ये वाला पोर्शन अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमको अब ए में अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, है ना। ए में कुल कितने अवयव हैं, देखिए ये इस ए के अवयव कुछ भाग यहाँ पर हैं, कुछ भाग यहाँ पर हैं, मतलब ये वाले भाग वो हैं जो ए के अवयव जो बी में भी हैं, ठीक ना। अगर हम ये अवयव और ये अवयव अगर जोड़ दें तो हमको ए में अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब देखिए हम इसको एक संख लिख लें, ठीक ना, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी में इन दोनों में अवयवों की संख्या, और फिर इसी तरह इसको भी देख लें, देखिए बी माइनस ये है पूरा, है ना, और ये अगर हम इसको इसी में जोड़ दें, इनके अवयवों की संख्या और इनके अवयवों की संख्या जोड़ दें तो हमको कुल बी में अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम ये ब्रैकेट यहाँ डाल लेते हैं, एक इस प्रकार डाल लिया, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं समुच ए में अवयवों की संख्या प्लस, और ये वाला लिख लेंगे समुच बी में अवयवों की संख्या, और ये जो बच गया इसको यहाँ लिख देते हैं यन ए सर्वनिष्ठ बी। तो इस प्रकार हमको ये एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया। देखिए इस फॉर्मूले का ही ज़्यादा महत्व है, ठीक ना, ये कैसे इसकी उत्पत्ति या कैसे ये डिराइव्ड हुआ है उसका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हमने आपको ये अच्छी तरह से बता दिया। अब देखिए इसके अंतर्गत एक कंडीशन बनता है, देखिए यदि ए सर्वनिष्ठ बी, ठीक ना, ये तो पहला हो गया, हम यहाँ पर अब दूसरा देखेंगे। देखिए ए सर्वनिष्ठ बी मतलब ये वाला पोर्शन अगर यहाँ पर फाई है, मतलब ए सर्वनिष्ठ बी मतलब दोनों अवयवों में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या, मतलब उभयनिष्ठ अवयव है ही नहीं, ठीक ना, फाई है मतलब रिक्त समुच है। तो इसका देखिए आकृति किस प्रकार ये बनेगा, वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये हम बना दे रहे हैं, ये हैं और एक समुच ये है और एक समुच ये है, ए और बी, है ना, इनमें कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमको यन ए सर्वनिष्ठ बी क्या हो जाएगा, इनमें उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या यहाँ पर हमको शून्य प्राप्त हो गई, है ना, ये है समुच के रूप में लिखा है और ये संख्या के अवयवों की संख्या के रूप में लिखा है, तो देखिए अवयवों की संख्या यहाँ पर शून्य हो गई, ठीक ना। अब हम यहाँ पर अगर यहाँ मान रख दें तो यहाँ को क्या प्राप्त हो जाएगा, यन ए सम्मिलन बी बराबर यन ए प्लस यन बी हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया एक फॉर्मूला, ये बन गया। और एक फॉर्मूला एक और है, अगर तीन समुच्च अगर हमको मिल जाएं तो उसका क्या प्राप्त होता है, तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं यन ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी, ठीक ना। तो इसका क्या फॉर्मूला बनता है, बस फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, यन ए प्लस यन बी प्लस यन सी माइनस यन ए सर्वनिष्ठ बी माइनस ए बी सर्वनिष्ठ सी माइनस यन ए सर्वनिष्ठ सी प्लस, यहाँ प्लस रहेगा, यन ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी। तो ये हमको ये तीन अगर समुच्च प्राप्त हो, तीन का सम्मिलन ज्ञात करना हो, तो ये हमको फॉर्मूला लगाना होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्नावली के लिए तीन फॉर्मूला महत्वपूर्ण हैं। अब इनको हम कुछ उदाहरण के द्वारा इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हमने एनसीईआरटी के प्रश्न उदाहरण 23 से लेकर 27 तक को लिया है। तो हम पहले प्रश्न नंबर उदाहरण 23 से शुरू करते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी का उदाहरण 23 लिया है हमने, तो इसके अंदर लिखा है यदि यक्स और वाई
दो ऐसे समुच्चय हैं कि x सम्मिलन y में 50 अवयव हैं। तो इसमें जो जो हमको सूचना मिल रही है उसको हम लिखते चलते हैं। तो देखिए ये हल है, इसमें हमको पहले मिला x सम्मिलन y में 50 अवयव हैं, मतलब अवयवों की संख्या हमको दिया हुआ है। तो x सम्मिलन y बराबर ये 50 हो गया। x में 28 अवयव हैं, मतलब x में अवयवों की संख्या 28 हो गई। y में 32 अवयव हैं, तो ये रहा y में 32 अवयव हैं। तो x सर्वनिष्ठ y में कितने अवयव हैं? तो इसमें हमको x सर्वनिष्ठ y में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अभी जो हमने फॉर्मूला सूत्र पढ़ा उसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो क्या सूत्र था? ए सम्मिलन बी, एक्स वाई में है तो एक्स वाई में लिख लेते हैं हम एन एक्स सम्मिलन वाई बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स सम्मिलन सर्वनिष्ठ वाई। यहाँ पर ये दिया है यूनियन, तो क्या करेंगे हम इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं, इसको उधर पक्षांतर कर लेंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? यन, या तो यहीं पे मान रख लेंगे, यक्स सर्वनिष्ठ वाई बराबर यन यक्स प्लस यन वाई माइनस यन एक्स यूनियन वाई, है ना, सम्मिलन वाई हो गया। तो इसमें कितना है यक्स? ये 28 दिया हुआ है, प्लस ये 32 है और ये 50। तो इनको जोड़ेंगे, 8 दो 10 हासिल 1, 3 दो 5 1 6 माइनस 50, तो ये हो गया 10। तो ये प्राप्त हो गया x सर्वनिष्ठ y। तो लिखेंगे अतः, मतलब ये अवयव ही 10 प्राप्त हो गए, तो x सम्मिलन y में 10 अवयव होंगे। तो ये उदाहरण नंबर 23 हो गया। अब उदाहरण 24 देखते हैं। तो देखिए अब उदाहरण नंबर 24 है, इसमें लिखा है एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं, ठीक ना, मतलब कुल 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, ठीक ना। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों को पढ़ाते हैं। कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं? तो ये है, ठीक ना, ये क्वेश्चन दिया है। इसमें हमको जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको हम पहले मैथमेटिकल रूप में लिख लेते हैं, गणितीय रूप में लिखेंगे। तो देखिए ये रहा हल, लिखे माना, माना गणित पढ़ाने वाले अध्यापकों का समुच्चय माना यम, गणित पढ़ाने वाले अध्यापकों का समुच्चय है। एवं पी भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापकों का समुच्चय है, ठीक ना, इसको लिख लिया। तो अब देखिए इसमें 20 अध्यापक में जैसे गणित पढ़ाएंगे या भौतिकी पढ़ाएंगे या दोनों पढ़ाएंगे, मगर ऐसा नहीं है कि गणित और भौतिकी के अलावा भी ये कुछ और सब्जेक्ट पढ़ाएं। तो इसमें लिखा है देखिए गणित या भौतिकी, ठीक ना, तो हमको ये क्या प्राप्त हुआ? यन यम सम्मिलन पी बराबर ये 20 अध्यापक प्राप्त हुए, है ना, 20 इसका मान आ गया, है ना, जो गणित या भौतिकी को पढ़ाने वाले कितने अध्यापक? 20 अध्यापक हो गए। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, तो इसमें गणित पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या 12 दिया हुआ है और 4 भौतिकी और गणित, है ना। देखिए इसमें यदि या लगा हो तो इसमें सम्मिलन के लिए होता है, ठीक ना, और अगर ये और लगा हो
और, तो ये सर्वनिष्ठ के लिए प्रयोग किया जाता है ना, या तो इस समुच का या तो उस समुच का, मगर जब सर्वनिष्ठ लेना होता है तो दोनों समुच्चों में अवयव होना जरूरी है, ठीक ना। तो देखिए इसका अगर समुच निर्माण रूप लिखें तो यक्ष इस प्रकार हो कि यक्ष अवयव हो ए का, यहां लिखेंगे या यक्ष अवयव हो बी का, ठीक ना। तो ये सम्मिलन के लिए यहां या लगता है, और अगर ये हो तो लिखेंगे यक्ष इस प्रकार हो कि यक्ष अवयव हो ए का और यक्ष अवयव हो बी का, ठीक ना। तो इस प्रकार इसको लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर या लिखा है ना, गणित या भौतिकी, इसलिए हमको यहाँ सम्मिलन प्राप्त हो गया। और यहाँ देखिए लिखा है चार, भौतिकी और गणित, तो भौत ये वाला हम लिख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ होगा यन यम सर्वनिष्ठ पी बराबर कितने लोग हैं, चार लोग हैं, है ना। तो कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, तो भौतिकी पढ़ाने वाले के लिए हमको ज्ञात करना है, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हम ये सूत्र लगा लेंगे, तो सूत्र हमको पता है यम सम्मिलन पी बराबर एन एम प्लस एन पी माइनस एन पी सब यम सर्वनिष्ठ पी, यम सर्वनिष्ठ पी। तो इसमें हम मान रख लेते हैं, तो ये 20 दिया हुआ है, यहाँ 20 रख लिया, और ये कितना है 12 प्लस ये p हमको ज्ञात करना है, इसके स्थान पर हम यहाँ पर पूरा x भी मान सकते हैं, और ये कितना दिया है 4। तो इस प्रकार हो जाएगा 20 बराबर 12 में से 4 गया 8 प्लस n p, तो ये हो जाएगा n p बराबर 20 माइनस 8, तो प्राप्त हुआ 12। तो अतः भौतिकी पढ़ाने वाले, अतः भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या बराबर ये 12 हमको प्राप्त हो गई, ठीक ना। तो इस प्रकार इस उदाहरण को हमने देख लिया, अब उदाहरण 25 देखते हैं। देखिए उदाहरण 25 है, इसके अंतर्गत लिखा है 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, इसका मतलब देखिए यहाँ 35 विद्यार्थी एक क्लास में हैं, और लिखा है इसमें 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है, कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत देखिए दो खेल है, तो देखिए इसमें चार कंडीशन बनती है। देखिए पहला, ऐसा हो सकता है कि सिर्फ क्रिकेट खेलते हों कुछ बच्चे, सिर्फ क्रिकेट खेलते हों, या दूसरा कंडीशन हो सकता है कि सिर्फ फुटबॉल खेलता हूँ, ठीक ना, किसी भी चीज़ में सिर्फ फुटबॉल खेलते होंगे, ठीक। थर्ड में हो सकता है कि दोनों है ना, कुछ विद्यार्थी ऐसे हों कि दोनों खेल खेलते हों, दोनों क्रिकेट दोनों खेलते हों, और चौथा कंडीशन है कि ना तो क्रिकेट और ना ही फुटबॉल, ठीक ना। कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो उनको खेल में किसी प्रकार की रुचि ही नहीं होती होगी, ठीक ना। तो इसमें देखिए चार कंडीशन है, इसके अंतर्गत अगर हम इसको वेन डायग्राम में अगर हम दिखाएं इसको, तो देखिए इसमें ये इस प्रकार बनेगा, एक समुच्च ले लिया ये और ये लिया, ठीक ना, ये है क्रिकेट खेलने वाले और ये है फुटबॉल खेलने वाले, ठीक ना। तो इसमें ये समष्टि समुच्च हो गया। अब देखिए क्रिकेट खेलने वाले कुछ होंगे, तो देखिए ये सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले ये सब हो गए,
ठीक ना, ये केवल क्रिकेट खेलते हैं तो इनको फुटबॉल से कोई मतलब नहीं है। फिर इसमें ये फुटबॉल ही केवल खेलते हैं तो इनको क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गया। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं फुटबॉल भी खेल लेते हैं, तो ये बीच में पोर्शन में आ गया। और कुछ ऐसे लोग हैं जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार ये वेन डायग्राम इसका बना। 35 विद्यार्थी की कक्षा में, तो देखिए जो सबसे बड़ा मान है ये जो 35 है वो हमेशा ये यूनियन मतलब ए यूनियन बी नहीं होता, ठीक ना। जैसे ज़्यादातर ये वाला रहता है तो बड़ी जो सबसे बड़ा रहता है उसको यूनियन में बोल लेते हैं, ये ना कंडीशन देख के होता है। देखिए मान लिया अभी कुल 35 विद्यार्थी हैं, अब इसमें 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, ठीक ना। तो मतलब क्रिकेट खेलने वाले लगभग 24 हो गए। अब इसमें 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं और इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है। इसका मतलब इस 35 विद्यार्थियों में से कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो इस क्रिकेट और फुटबॉल के खेलने से अलग हो, ठीक ना, वो अलग ग्रुप में बैठ जाए जो हम कुछ नहीं खेलते। अब देखिए ये वाला जो 35 है वो इन दोनों का क्रिकेट और फुटबॉल खेल का ये सम्मिलन दिया हुआ है, ठीक ना। कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो न पसंद करता हो, कुछ न कुछ तो ये खेलता ही है। अगर यहाँ पर दिया होता कि कुछ विद्यार्थी हैं जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना ही फुटबॉल खेलते हैं, तब ये हमको 35 विद्यार्थियों का सम्मिलन नहीं हो सकता है ये, ठीक ना। तो इस प्रकार हमको ये प्राप्त हो गया कि अब देखिए इसमें हम मान लेते हैं क्रिकेट खेलने वालों का समुच्चय और फुटबॉल खेलने वालों का समुच्चय। तो यहाँ देखते हैं, तो इसमें देखिए माना सी क्रिकेट खेलना पसंद करने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय या विद्यार्थी, यह है विद्यार्थियों का समुच्चय, इस प्रकार हो गया ये। और एफ फुटबॉल खेलना पसंद करने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, तो हमको ये मिला। देखिए 35 विद्यार्थी हैं और इनमें से कोई ना कोई क्रिकेट या फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, इनके अलावा कोई और ऐसा नहीं है कि वो कुछ खेलना पसंद नहीं करते, इसलिए ये हमको प्राप्त हो गया एन सी सम्मिलन एफ प्राप्त हो गया। कितना हो गया, ये 35 हो गया। 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं तो एन सी बराबर ये 24 हो गया, और 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं तो एन एफ बराबर ये 16 हो गया, ठीक ना। अब हमको प्राप्त करना है कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त करना है, एन सी सर्वनिष्ठ एफ प्राप्त करना है हमको। तो सूत्र लगा लेते हैं, एन सी सम्मिलन एफ बराबर एन सी प्लस एन एफ माइनस एन सी सर्वनिष्ठ एफ, ये हो गया 24, ये हो गया 16, ये हो गया 35, और ये हमको ज्ञात करना है सी सम्मिलन एफ। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, इनको जोड़ लेते हैं 6, 4, 10, हाँ से एक 2, 3 और 1, 4, एन सी सर्वनिष्ठ एफ, एन सी सर्वनिष्ठ एफ बराबर ये हो जाएगा 40 माइनस 35, तो इस प्रकार ये हमको 5 प्राप्त हो गया। तो प्रश्न उदाहरण 25 देख लिया आप 25, अब इसके बाद 26 देखते हैं। देखिए उदाहरण 26 देखते हैं अब, इसमें लिखा है किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में, है ना, 400 विद्यार्थियों पर सर्वे किया गया है, में 100 विद्यार्थी सेबों का रस, 150 विद्यार्थी संतरे का रस और 75 विद्यार्थी
सेब तथा संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए गए। ठीक ना, ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो सेब का रस पीते हैं और ना ही संतरे का ही। तो पहले इसको मान लेते हैं, माना ए सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों का समूह और संतरा को ऑरेंज, ठीक ना, तो ओ या बी मान लेते हैं, ठीक ना, बी संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों का समूह। तो इस प्रकार हो गया। अब देखिए इसमें कुल 400 विद्यार्थियों पर सर्वेक्षण किया गया है, ठीक ना। तो ऐसा देखिए, इसके बाद फिर यहाँ लिखा है कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं और ना ही संतरे का। मतलब इस 400 विद्यार्थियों में कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो दोनों को पसंद नहीं करते, ठीक ना। तो ऐसा नहीं कि ये जो 400 दिया है वो सम्मिलन हो जाएगा, ठीक ना। तो ये ए और बी का ये सम्मिलन नहीं होगा, ठीक ना, ये 400 ए और बी का सम्मिलन नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो सेब और संतरे दोनों का रस नहीं पीते हैं, ठीक ना। यदि ये लाइन न होती तो हम ये अगर 100 विद्यार्थी ये हो गया, 150 विद्यार्थी संतरे का और 75, अगर ये लाइन न होती तो हम समझ लेते कि ये सम्मिलन ए सम्मिलन बी का ही ये दिया हुआ है, ठीक ना, यन ए सम्मिलन बी दिया हुआ है। मगर इसमें कुछ, इसलिए हम इसको यहाँ पे मानेंगे, माना यू सर्वेक्षण किए गए विद्यार्थियों का समिष्टीय समूह है। समिष्टीय समूह मतलब जितने भी विद्यार्थियों का सर्वे किया गया है वो सभी को यू ले लेंगे। तो इस प्रकार हमको यन यू क्या प्राप्त हुआ, ये 400 हुआ, ठीक ना। इसमें गलती नहीं करेगा, इसमें ये यन ए यूनियन बी नहीं होता, ये बराबर ये 400 ये नहीं है, ठीक ना। तो ये समिष्टि समुच्चय में अवयवों की संख्या 400, मतलब कुल 400 विद्यार्थियों पर सर्वे किया गया, जिसमें से 100 विद्यार्थी, तो 100 विद्यार्थी सेबों का रस पसंद करते हैं, तो यन ए बराबर 100 आ गया, और 150 विद्यार्थी संतरे का, तो यन बी आ गया 150। 75 विद्यार्थी सेब तथा दोनों का रस, है ना, सेब और संतरे दोनों का, तो ये हो जाएगा ए सम्मिलन बी सर्वनिष्ठ बी बराबर 75, ठीक ना। यहाँ लिखा है सेब तथा संतरा, है ना, तो इसलिए सर्वनिष्ठ आ गया। अब हमको ज्ञात करना है कि ना तो कितने विद्यार्थी ना तो सेब का रस पसंद करते हैं और ना ही संतरे का रस पसंद करते हैं, ठीक ना। तो इसको हमको देखिए क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है ए डैश सर्वनिष्ठ बी का डैश हमको ज्ञात करना है, ठीक ना। मतलब ए का मतलब संतरा सेब का रस पीने वाले, तो ए डैश का मतलब संतरा नहीं पीने वाले, है ना, सेब का रस नहीं पीने वाले। इसी प्रकार बी है संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थी, तो बी डैश संतरे का रस नहीं पीने वाले विद्यार्थियों का, ठीक ना, और इनका इन दोनों को पसंद नहीं करने वाले, तो इसलिए हमको ये ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसके लिए हम देखिए क्या ज्ञात करेंगे, देखिए इसमें ये लिखा है कि विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं और ना ही संतरे का रस, ठीक ना। तो हम इसमें पहले ज्ञात कर लेते हैं ऐसे विद्यार्थी जो सेब और संतरे का दोनों का पसंद करते हैं, ठीक ना। तो अब इसको हम देखिए ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पर यन ए यूनियन बी बराबर यन ए प्लस यन बी माइनस ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कितना है, ये 100 और ये 150 और ये सर्वनिष्ठ कितना है 75, तो ये प्राप्त हुआ 150 250।
माइनस 75, तो हो जाएगा 50 175, ये आया ठीक ना, 175 ये आया। ये 175 ऐसे लोग हैं जो या तो सेब का रस पी लेंगे या संतरे का रस पी लेंगे या दोनों का रस पी लेंगे, तो ऐसे लोग को देख लेंगे जो कुछ न पसंद करते हों। तो इसी 400 रुपये में से अगर हम 175 को माइनस कर दें तो वो लोग बचेंगे जो ना तो सेब का रस और ना ही संतरे का रस पसंद करते हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या जो न तो सेब का रस पीते हैं और ना ही ना संतरे का रस पीते हैं। ये कितना हो जाएगा, कुल विद्यार्थियों में से आप 175 को माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 5 10, हाँ से लेक 7 4 2 3 1 4, तो इस प्रकार 225 विद्यार्थी इस प्रकार आ गए, ठीक ना। तो ये हो गया, अगर हम इसको ग्राफ में दिखाएं, वेन डायग्राम से भी दिखाएं, तो देखिए ये ऐसे आ जाएगा, देखिए इसमें हमको क्या ज्ञात करना था, यन ए पूरक और सर्वनिष्ठ बी का पूरक, ठीक ना। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम इसको पहले देखिए ये लिखा सकते हैं हम ए सम्मिलन बी का पूरक, ठीक ना। देखिए ये डी मॉर्गन लॉ ही है, अगर हम इसको ओपन करें ए यूनियन बी का डैश तो ये हमको मिलता है ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश। अब देखिए ए यूनियन बी का डैश निकालने के लिए हम पहले यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, यन यू माइनस यन ए सम्मिलन बी, है ना। डैश का मतलब समिष्टि समुच्च में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे तो ये हमको ज्ञात हो जाएगा। तो ये कितना लिखा है, 400 माइनस ये कितना आया था 175, तो इस प्रकार ये 225 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार उदाहरण 26 हो गया, अब 27 देखते हैं। देखिए उदाहरण 27 है जिसके में लिखा है 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं, है ना, कोई स्किन डिजीज है, 200 व्यक्ति इससे अफेक्टेड है। इनमें से 120 व्यक्ति केमिकल C1, है ना, रसायन C1, 50 व्यक्ति रसायन C2 और 30 व्यक्ति रसायन C1 और C2 दोनों से ही प्रभावित हुए हैं, ठीक ना। हमको ये ज्ञात करना है, तो देखिए इनको जो दिया उसकी इन्फॉर्मेशन है, तो देखिए ये जो 200 व्यक्ति हैं तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 200 व्यक्ति C1 या C2 या दोनों से ही ये ग्रसित हैं, ठीक ना। ये इतना मालूम है कि ये स्किन डिजीज से प्रॉब्लम इसको फेस कर रहे हैं मगर ये इन्हीं C1 और C2 से ही अफेक्टेड हैं, ये जरूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पर C1 सम्मिलन C2, ठीक ना, ये 200 नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए इसमें कुछ वेन डायग्राम एक बना लेते हैं, देखिए ये है वेन डायग्राम, ये है C1 और ये है C2, ठीक ना। तो इसमें देखिए ये लिखा है 200 व्यक्ति पूरे लोग, है ना, पूरा इसमें 120 व्यक्ति रसायन C1 और 50 व्यक्ति रसायन C2 से ग्रसित हैं। तो हमको इसमें इतना प्राप्त हो गया कि देखिए यन C1 बराबर 120 है, यन C2 बराबर 50 दिया हुआ है, ठीक ना, और 30 व्यक्ति C1 C2 दोनों से दिया है, ठीक ना। तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक ना, ये है देखिए यहाँ है C1 सर्वनिष्ठ C2 और ये दिया है
C1 माइनस C2 मतलब एक से है, C1 से ग्रसित हैं, C2 से नहीं। और ये क्या है, ये C2 है माइनस C1 है, ठीक ना। तो ये वाला पोर्शन जो है, जो ऐसा है जो रसायन A से ग्रसित हैं मगर C2 से दूसरे रसायन से ग्रसित नहीं है, ये वाले ऐसे हैं जो C2 से ग्रसित हैं मगर C1 वाले रसायन से ग्रसित नहीं है ये। और इसमें ऐसे बीच वाला, ये ऐसे पोर्शन है जो C1 और C2 दोनों से ग्रसित हैं, ठीक ना। और यहाँ पर ऐसे कुछ, ये कुछ ऐसे हैं ये जो C1 C2 से नहीं ग्रसित हैं, ठीक ना। ये C1 C2 से ग्रसित नहीं है, ये किसी और रसायन के कारण स्किन डिजीज हुआ है इनको ऐसा। तो अब हमको देखिए क्या ज्ञात करना है। पहला देखिए, रसायन C1 से किंतु C2 से नहीं, तो हमको लिखाना है C1 माइनस C2। देखिए इसमें C1 माइनस C2 क्या चीज़ है, इसमें है अगर हम इसमें देखें C1 में से, पूरा C1 में से इस सर्वनिष्ठ भाग को हटा दें तो ये वाला हमको पोर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, N C1 माइनस N C1 सर्वनिष्ठ C2, ये दिया हुआ है, ठीक ना। इस पूरे C1 में अवयव जितने हैं उनमें सर्वनिष्ठ को हटा देंगे तो केवल ये प्राप्त होगा जो C1 माइनस C2 है। तो C1 कितना, 120 माइनस ये 30, तो ये हो गया 90 प्राप्त हो गया। दूसरा भाग है N, देखिए 2 से है मगर C1 से नहीं, तो होगा C2 माइनस C1, तो ये हो जाएगा देखिए C2 माइनस C1 है। ये वाला पोर्शन ज्ञात करना है तुमको, पूरे C2 में से ये सर्वनिष्ठ भाग हटा देना है, तो ये हो जाएगा NC2 माइनस NC1 सर्वनिष्ठ C2। तो C2 कितना है, 50 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए थर्ड में लिखा है रसायन C1 अथवा रसायन C2, अथवा मतलब या, तो C1 या C2 से हैं, मतलब C1 से भी हो सकते हैं, C2 से भी होता है, या दोनों से हो जाएं, ठीक है। मतलब ये वाला पोर्शन हमको लिखना है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये है C1 सम्मिलन C2 हमको ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, NC1 NC2 और NC1 सर्वनिष्ठ C2, ये कितना है, 120 प्लस 50 और ये माइनस 30, 5, 6, 7, 170 माइनस 30, इस प्रकार ये 140 है ना प्राप्त हुआ। तो देखिए इसमें दोनों से ग्रसित 140 लोग हैं और यहाँ कुल गिनती 200 दिया हुआ था, ठीक ना। तो इसलिए हर जगह जरूरी नहीं होता कि 200 जो शुरू में जो सबसे बड़ा दिया हो ये सम्मिलन में ही आ जाए, ठीक ना। तो इस प्रकार ये उदाहरण हमने देख लिया। अब प्रश्नावली 1.6 को देखेंगे।